जय श्री राधे। रचना आर्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक बनाने जा रहे हैं और ये बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें ऐसे नॉट लगा के एक चैन बनानी है ऐसे, और अब हमें इसमें 15 चैन बनानी है। पंद्रह चैन बनाने के बाद दो चैन हैं इनको हमें छोड़ना है और तीसरी चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है। और इसके बाद नेक्स्ट चैन में से भी हमें डबल क्रोशिया लेनी है। इस लाइन में हमें हर एक चैन में से एक डबल क्रोशिया लेनी है और लाइन को कंप्लीट करना है। ध्यान रखें हमें हर चैन में से एक ही डबल क्रोशिया लेनी है और लाइन को कंप्लीट करना है। मैंने लाइन को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद अब हमें फिर से तीन चैन बनानी है। तीन चैन बनाने के बाद पहली चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है और इसके बाद इसी चैन में से फिर से हमें डबल क्रोशिया लेनी है। अब की बार हमें हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया लेनी है। जो हम ये लाइन बना रहे हैं इस लाइन में हमें हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया लेनी है और लाइन को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने लाइन को कंप्लीट कर लिया है हर एक चैन में से दो डबल क्रोशिया लेकर। इसके बाद फिर से हमें चैन बनानी है, हमें ये तीन चैन बनानी है और पहली चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है, फिर नेक्स्ट चैन में से भी हमें डबल क्रोशिया लेनी है। यहाँ पे हमें चार चैन में से डबल क्रोशिया लेनी है, हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया लेनी है, तो हमें यहाँ पे चार चैन ही बनानी है। यहाँ पे ये हमने चार चैन बना ली है, हर एक चैन में से हमने डबल क्रोशिया ली है। इसके बाद हमें चार चैनों को छोड़ना है यहाँ पे और पाँच ही चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है। और हमें इसी तरीके से साइड में हमें आठ चैन छोड़नी है और यहाँ तक हमें ये हर चैन में से एक एक ही डबल क्रोशिया लेनी है। ध्यान रखें ये हमें जो डबल क्रोशिया हम ले रहे हैं हर चैन में से, लास्ट में हमें आठ चैन छोड़ देनी है, वहाँ तक हमें ये हर एक चैन में से एक ही डबल क्रोशिया लेनी है। इसके बाद हमें ऐसे चार चैनों को छोड़ना है और पांचवी चैन में से डबल क्रोशिया लेनी है और इसके बाद छठी चैन में से डबल क्रोशिया लेनी है, इसके बाद सातवीं चैन में से भी डबल क्रोशिया लेनी है और लास्ट में हमें आठवीं चैन में से भी डबल क्रोशिया लेनी है। और इस लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमें फिर से तीन चैन बनानी है। यहाँ पे तीन चैन बनाने के बाद पहली चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है और नेक्स्ट चैन में से भी हमें डबल क्रोशिया लेनी है। इस बार हमें हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया लेनी है, लाइन को कंप्लीट करना है। मैंने लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमें इसको स्लिप चैन के साथ जोड़ना है। और ये हमारी जो ऊपर की चोली है ड्रेस की, ये कंप्लीट है। इसके बाद हम इसमें अब दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे, या आप एक ही कलर से भी बना सकती हैं। मैं दो कलर की बना रही हूँ तो यहाँ पे हम ऐसे दूसरे कलर की ऊन लगा रहे हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे तीन चैन बनानी है।
तीन चैन बनाने के बाद पहली चैन में से हमें धागे को चार बार लेना है। जिस तरीके से हम डबल क्रोशिया लेते हैं उसी तरीके से धागे को हमें ऐसे एक चैन में से चार बार डबल क्रोशिया लेनी है। मैं इसे चार ही डबल क्रोशिया बोलती हूँ, या फिर आप इसे डिज़ाइन भी बोल सकती हैं। और इसके बाद फिर हमें ऐसे एक चैन बनानी है। एक चैन बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में से फिर हमें डबल क्रोशिया लेनी है चार बार। आप ध्यान रखें मैं इसे डबल क्रोशिया ही बोलती हूँ। जैसे हम धागे को चार बार एक चैन में से निकालेंगे तो इसे मैं चार ही डबल क्रोशिया बोलूँगी। तो ये हमारा एक डिज़ाइन बन जाता है। और इसके बाद फिर से हमें ऐसे एक चैन बनानी है। एक चैन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट चैन में से फिर से हमें चार ही डबल क्रोशिया लेनी है। और फिर से हमें एक चैन बनानी है। इसके बाद हमें दूसरी कलर की ऊन लगानी है। और फिर हमें नेक्स्ट चैन में से फिर से हमें चार ही डबल क्रोशिया लेनी है यहाँ पे। और फिर से हमें इसमें एक चैन बनानी है। और फिर से नेक्स्ट चैन में से हमें चार ही डबल क्रोशिया लेनी है हर नेक्स्ट चैन में से। फिर चैन बनानी है। इसी तरीके से हमें जो ये हमारा सर्कल है, ये राउंड है, इसे कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से मैंने इस राउंड को कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो कलर है येलो है, तो पहले हमें येलो कलर का धागा लेना है और फिर हम इसे स्लिप चैन के साथ जोड़ेंगे। ये हमने सर्कल है जो इस डिज़ाइन से कंप्लीट किया है। इसके बाद अब हमें तीन चैन बनानी है। शुरुआत में हमें यहाँ पे तीन चैन बनानी है। और नेक्स्ट चैन में जो हमने चैन बनाई थी डिज़ाइन में, इसमें हमें ऐसे स्लिप चैन जैसे जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ना है हमें इसे। फिर तीन चैन बनानी है, फिर हमें ऐसे नेक्स्ट चैन में इसी तरीके से जोड़ना है। और इसी तरीके से हमें हर बार तीन ही चैन बनानी है और स्लिप चैन की तरह ही हमें इसे जोड़ना है। इसके बाद हमें दूसरे कलर का धागा लगाना है और फिर से हमें इसमें तीन चैन बनानी है। और जो हमने ये सेंटर से चैन बनाई थी इनमें हमें ऐसे जोड़ना है। ध्यान रखें जो हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, ये हम हर बार तीन चैन बना रहे हैं। और जो हमारा ये डिज़ाइन है इसके सेंटर से हम इसे स्लिप चैन की तरह जोड़ रहे हैं। तो ये हमें, मेरा कहने का मतलब यह है कि अब की बार हमें इसमें चैन वाला डिज़ाइन बनाना है। और हमें ये जो सर्कल है ये चैनों से ही कंप्लीट करना है, चैन वाले डिज़ाइन से। ये जो सर्कल है हमने कंप्लीट कर लिया है। और हर एक डिज़ाइन में हमने तीन चैन ली हैं। इसके बाद फिर से हमें एक चैन, दो, तीन, तीन चैन बनानी है। और जो हमने ये चैन बनाई है, तीन चैनों की जो एक चैन है, इसमें से हमें छः डबल क्रोशिया लेनी है। जो हमने, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो हमने ये चैन बनाई है इन चैनों में से हमें छः डबल क्रोशिया लेनी है। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक चैन बनानी है और फिर नेक्स्ट चैन में से हमें फिर से छः डबल क्रोशिया लेनी है। ध्यान रखें ये जो हम अब डबल क्रोशिया ले रहे हैं, ये जो हमने अभी अभी चैन बनाई थी, इस चैन में से ही हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं और वो भी हम छः ले रहे हैं। हर एक चैन में से जो हमने जो हमने तीन चैनों की एक चैन बनाई है, इसमें से हमें छः डबल क्रोशिया लेनी है। और फिर हमें एक चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट चैन में से फिर से हमें छः ही डबल क्रोशिया लेनी है। और ये जो पोशाक है बहुत ही इजी है
बनाना और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है, आप ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हमें इसमें फिर से एक चैन बनानी है और दूसरे कलर की ऊन लगानी है और फिर नेक्स्ट चैन में से यहाँ पे भी हमें 6 ही डबल क्रोशिया लेनी है। और जो हमारा ये सर्कल है इसे हमें कंप्लीट करना है इसी तरीके से। देखिए जो हमारा ये सर्कल है डिज़ाइन वाला, इसे हमने कंप्लीट किया है और यहाँ पे हमें फिर से ग्रीन कलर की ऊन लगानी है और स्लिप चैन के साथ इसे हमें ऐसे जोड़ना है। और अब की बार हम इसमें 8 चैन बनानी है, हमें यहाँ पे हमें इसमें 8 चैन बनानी है और जो हमने ये जो बीच में चैन बनाई थी एक एक, इसमें हमें स्लिप चैन की तरह इन्हें जोड़ना है और फिर से हमें 8 चैन बनानी है और फिर से हमें इस चैन में इसे ऐसे ही स्लिप चैन की तरह जोड़ना है जो हमने इसमें डिज़ाइन में जो चैन बनाई थी वो डिज़ाइन में हमें ऐसे ही 8 चैन बनानी है। और यहाँ पे हम ऐसे ही हर 6 क्रोशिया के बाद हमें इस डिज़ाइन को इस तरीके से स्लिप चैन की तरह जोड़ना है और फिर से हम दूसरे कलर का धागा लगा रहे हैं और यहाँ पे भी हमें फिर से 8 चैन बनानी है। और जो हमारा ये डिज़ाइन है और जो हमारा ये सेंटर है इनका जो चैन बनाई है हमने एक एक, इनमें हमें इसे ऐसे जोड़ना है और इसी तरीके से हमें ये जो राउंड है इसे इसी तरीके से कंप्लीट करना है। और इसी तरीके से आप इस राउंड को कंप्लीट करें। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर हमें येलो कलर की ऊन लगानी है यहाँ पे और यहाँ पे हम इसे स्लिप चैन की तरह ही जोड़कर ऐसे धागे को निकालना है और इसमें हमें नॉट लगानी है और ये हम बैक में इसे क्रोशिया से ऐसे निकाल देंगे और ये पोशाक हमारी कंप्लीट है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।